لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون

ज़ीनाफ़ूना फिस वज्राए सख्ती में आसानी में ये राह खुदा में इफ़ाक़ करते हैं यानी राह खुदा में ख़र्च करते हैं वल वलका ज़मीन अलग और ग़स्े को पी जाते हैं वल आफीना आफीनास और लोगों को माफ़ करने वाले हैं <coughs> व्ला हो यहब्बुल महसनिन <coughs> और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है चूँकि आज शब शहादत की शब है लिहाजा उसी मुनासबत से आए करीमा का इंतब किया आपका नाम नाउसा है लक़ब काजिम है। वैसे अब्द साले भी है बाबुल हवाइज भी है कुन्नियत अबुल हसन है अबू इब्राहिम है अबू आब्दिल्ला वालिद का नाम इमाम जाफ़र सदक़ा माँ का नाम जनाब हमीदा और आप मकाम अबवा में पैदा हुए शहादत आपकी पच्चीस रजब सन एक सौ तिरासी हिजरी बरोज जुमा काजमैन में हुई आपकी उम्र उस वक्त पचपन साल की थी आज का जो दिन गुज़रा है वो भी मुनासिबत रखता है कि एक रवायत की बिना पर जनाब अली असर की विलादत की भी तारीख़ थी और जंग फतह खैबर भी था तो फ़िर खैबर तब तक फ़त नहीं हुआ जब तक मेरे मौला अली को आलम नहीं दिया गया बड़ी लंबी तारीख है लोग जाते रहे वापस आते रहे और आकर के ही शिकवा करते थे सरदार कहता था लश्कर बुज़दिल है लश्कर कहता था सरदार बुज़दिल है यही बहुत दिनों तक चलता रहा आखिरकार ये हुक्म आया कि उसको दीजिए तब तक फत नहीं होगा तो मौला कायन को बुला करके पैगम्बर ने कहा आज उसको अलम देंगे जो मर्द होगा कर्रार होगा फर्रार नहीं होगा बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा अल्लाह रसूल को दोस्त रखता है उसको अल्लाह और रसूल दोस्त रखते हैं और जब तक उसके दोनों हाथों पर फता नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं आएगा तो फतेह खैबर जो फतह हुआ है यह मौलाए का ने फतह किया पत्थर पे आलम दीन का गाड़ा किसने और जैसे ही आपने पत्थर पे आलम गाड़ा तो यहूदियों ने कहा यही फतह करेगा हमने हमने अपनी किताबों में पढ़ा है तोरेद में पढ़ा है इसमें सारे सिफात पाए जाते हैं आपने पत्थर परम ऐसे गाड़ दिया जैसे मोम में कोई चीज़ दाखिल कर दी जाए तो शायर कहता है पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने अब पैम्बर तो सभी थे मौजूद अब पैम्बर तो सभी थे मौजूद बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने सलवा पढ़े मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फ़तेह खैबर की एक तारीख़ है बड़ी लंबी तारीख है मैंने मुख्तसरन बयान कर दिया था कि वो भी सवाब हासिल हो जाए और एक तारीख इमाम हुसैन के बेटे अली असगर की है जो मैंने इससे पहले जनाब सकीना के सिलसिले में पढ़ा था कि जो आया था यमन का बादशाह कुछ चीज़ उसमें छूट गई थी तो आज उसको पढ़ देता हूँ जब आया और आने के बाद जब मुसलमान हो जाता है तो उसके पास बड़ी दौलत थी तो उसने कहा याली ये दौलत ले लीजिए कोई दूसरा होता तो दौलत ले लेता लेकिन मौलाए का ने कहा कि ऐसा है ये दौलत ले जा कर के वापस पलट करके गरीबों में तकसीम कर देना इसलिए कि मैंने जो शादी की है हसन हुसैन से उस खुशी में गरीबों में तकसीम कर देना तो वही जनाब रबाब के बेटे जनाब सकीना और अली असगर एक बात रह गई रही तो मुझे भी अच्छी लगती है आजरात को भी अच्छी लगेगी सकीना का मतलब होता है सुकून कल्ब सुकून देने वाली दिल को सुकून देने वाली जो सारी दुनिया को सुकून दे रहा है जिससे लोग सुकून पा रहे हैं उसको हुसैन कहते हैं और जो हुसैन को सुकून दे उसे जनाब सकी कहते हैं सलवा पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद और वही जैसे आब सकीना के भाई जनाब अली असगर जो छः महीने में मद्दत पूरी होती है जब से दस मुहर्रम और एक रवायत ये भी मनाई जाती है अगर दोनों रवायत पर अली असगर के फ़ाइल पढ़े जाएँ तो कोई हरज की बात नहीं बच्चा है छः महीने का है लेकिन जोश वलवला जवानों वाला है जो अकबर का हौसला है जो कासिम का हौसला है वही अली असगर का हौसला है हौसले में कोई कमी नहीं है हाथों पे शहदी के ये असगर नादा है शायर कहता है हाथों पे शहदी के ये असगर नादा है। या रहले इमामत पर रखा हुआ कुरआ है या रहले इमामत पर रखा हुआ कुरआ है कहते थे असगर चलाऊंगा जुबा के ज़ुल्फ़कार अगर हर एक ज़ुल्फ़कार तलवार लेकर के जंग करता है तो जनाब अली असगर के लिए शायर कहता है कहते थे असगर चलाऊंगा जुबा के ज़ुल्फ़कार क्या हुआ गर हाथ में मेरे नहीं शमशीर है तो शायर ने इस तरीके से इनकी फजीलत बयान की है छोटा है सा सिन लेकिन तैर खा करके मुस्कुरा करके दुनिया वालों को रुलाया है और ख़ुद मुस्कुरा करके दुनिया वालों को बता दिया हक बात पे मरने से डरना नहीं चाहिए बल्कि मुस्कुरा करके जान दे देना चाहिए यह अली असगर ही की कुर्बानी थी कि जिससे आप दाना भी पा रहे हैं पानी भी पा रहे हैं वरना अगर हुसैन ने कहीं वो खून फेंक दिया होता तो एक दाना न रोविदा आसमान ने कहा अगर आ गया तो एक कतरा पानी ने अमृत ये अली असगर का सदका खा रहे हैं दुनिया होश में आए अली असगर की मंजिलत को पहुँचाए तो अली असगर वो हैं जो छः महीने के हैं और अगर हुसैन इसलिए ले गए थे ताकि दुनिया को बता दें कि अगर बच्चों पे जवानों पे रहम नहीं किया जा सकता तो बच्चों पे तो रहम किया ही जा सकता है लेकिन ये ऐसे जालिम थे कि बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं किया एक तारीख़ है जो दुनिया भुला नहीं सकती डॉक्टर जगन्नाथ कहता मैंने जब करबला की तारीख पढ़ी तो मुझे सब समझ आया अकबर गए जंग किया कासिम गए जंग किया बास गए जंग किया लेकिन मेरी ये समझ में आज तक नहीं आया छः महीने के बच्चे का कसूर क्या था जिसको इन ालिमों ने तीर मार दिया मेरी आज तक समझ ही भी नहीं आया इतने बदबक यानी पत्थर तिल भी रोया है तो अली अलीसर की वो ताकत वो ताकतवत है शायर कहता है निकला जो तीर तिर ऐस निकला जो तिर म के कमान से निकला जो तिर म के कमान से उठा अली का लाल पैंबर की शान से नोके से ना पिक कर के तलावत बता दिया क़ुरान बोलता है हमारी ज़ुबान से ये हैं अहले बैतार जिनकी मंजिलत जिनकी बुज़ुर्गी तो जनाब अली असगर के लिए शायर ने बहुत से शेर कहे हैं लेकिन चूँकि मुझे आज उस बाबुल हवाद के बारे में भी पढ़ना है लिहाजा चाहता हूँ कि उनके बारे में आप सुने और आप सुनेंगे तो आपको जब अच्छी चीज़ मिलती है तो आदमी को अच्छा लगता है पढ़ने वाले को भी सवाब मिलता है सुनने वालों को भी सवाब मिलता है लाइव करने वाले को सवाब मिलता है ये बहुत बड़ी खिदमत हो रही है जो लाइव करके इतने लोग कम से कम सौ डेढ़ सौ अगर सुन लीजिए पचास सुन लिए सौ सुन लिए कोई एक बात ले लिए तो इन सवाब भी सवाब है यहाँ तक रवायत मिलता है एक आदमी अगर हो जाए पहले तो कोई एक कर चालीस करोलाए और खुद रोए तो जन्नत वाजिब यहाँ तक कि एक को अगर रोए रोलाए और ख़ुद रोए तो जन्नत वाजिब एक को रोलाए तो जन्नत वाजिब यहाँ तक रवायत मिलती है बड़ी तफसीली बात हो जाएगी तो मैं अब चाहता हूँ कि बाबुल हवाइज के बारे में सुने ये दस्तूर रहा पैगम्बर इस्लाम दुनिया में आए आते ही जैसे कदम रखा सर सजद महूद में रखा मौलाए कायनात खाने काबा में कदम रखते हैं सर सजदे मबूद में यानी पेशानी सजदे मबूद में रखते हैं। जब दुनिया में आता है उसी हिसाब से पेशानी सजदे मबूद में रखता है घुटनों को टेक करके यानी ये बताना चाहते हैं ही से बताना चाहते हैं कि हम न सजदा किसी से सीखते हैं और न हमें कोई सिखाता है ये मार्फत हम ले करके आते हैं ये हमारे सातवें इमाम जिनको बाबुल हवाज भी कहते हैं मगर वो लक़ जो आपका मशहूर है काज़िम काज़िम का मतलब ही होता है गुस्से को पी जाने वाला इनके यहाँ जो भी आता था अगर जुल्म करके आता था तो अगर माफ़ करने लायक होता था उसको माफ़ कर देते थे और उसको गुस्से को अपने पी जाते थे एक रवायत है लेकिन वो बाद में पढ़ूँगा यहाँ चौथे यहाँ सातवें इमाम के सिलसिले की चूंकि ये बात चल रही मैं चाहता हूँ वहीं से सिलसिला जुड़ा रहे सातवें इमाम का ज़माना है और अली बिन इमाम के चाहने वाले हैं ज़माने का बादशाह हारून रशीद उसने देखा कि अली बिन य बहुत ही अच्छे हैं और इमाम के चाहने वाले भी हैं उसने कहा इनको वज़ीर बना दिया जाए तो अली बिन य को जब वज़ीर बनाया जाने लगा तो उन्होंने अपने इमाम सात इमाम से पूछा मौला आपकी क्या राय है इमाम ने फरमाया बन जाओ इमाम ने कह दिया बन गए जब वजीर बन गए बन जाने के बाद अब लोगों ने हारून रशीद से इनकी बुराई करना शुरू की क्या बुराई की एक मरतबा ये मसला ज़ेर बहस हुआ कि मसा काब से उंगलियों तक करना चाहिए या उंगलियों से काब इन तक करना चाहिए यह मसला ज़ेर बहस था इनो इमाम को ख़त लिखा इमाम ने ख़त का जवाब दिया ए अली एबिन य सरकारी तौर से वजू करना यानी अहल सुन्नत जमात के तरीके पर अब जिन्होंने ख़त को पढ़ा पढ़ने के बाद हैरान व परेशान रह गए ये क्या इमाम ने लिख दिया मगर चूँकि जानते थे कि इमाम ने लिखा है तो इसमें मसलह ज़रूर कुछ होगी तो उसी तरीके से वो वजू करना शुरू किया तीन मरतबा हाथ को धोला हमारे यहाँ दो मरतबा तीन मरतबा कुल्ली करना तीन मरतबा नाक में पानी डालना तीन मरतबा सर को पूरे धुलना और हाथ का और पैरों को धुलना ये सब हारून रशीद से लोग जा जा कर शिकायत करते थे इमाम के चाहने वाले हैं शिया हैं उन्हीं की तरीके से अमल करते हैं जब सुनते सुनते वो आज़ीज़ आ गया कहा एक दिन मैं छुप करके देखूंगा ये कैसे वजू करते हैं पता चल जाएगा देखा अली बिन यिन नीचे वजू कर रहे हैं वो छुप करके देखा तो अली बिन याद्दीन को जो वजू करते हुए देखा तो सरकारी तौर से जो उसका तरीका था एकदम खुश हो गए और खुश होने के बाद नीचे उतरा उतरने के बाद उनको गले लगाया कहा तुम्हारे लोग तुम्हारे हासिद बहुत से हैं तुम हमारे दिन पर हो और तुम्हें हम इनाम देते हैं खलात इनाम देते हैं जो सोने के बने हुए कपड़े से सोने से वो कपड़ा बना हुआ था जरबफ्त का और भी कुछ चीज़ें थी बस जो इनाम दिया इनाम देने के बाद जो बादशाह पहना करते थे बड़े बड़े लोग पहना करते थे उसने सोचा अली बिन य ने यह पोशाक तो मेरे शयन शान नहीं मैं अपनी इमाम की खिदमत में भेज देता हूँ वो जो कपड़ा था और कुछ और तोहफ़ा जब इमाम की खिदमत में आया और तोहफ़ा तो ले लिया इसको वापस कर दिया और वापस करने के बाद कहा अली बिन य जब तुम्हारी जान जोखम में होगी तो ये लिबास तुम्हें काम आएगा बिन यक़िन समझ गए कि मेरे मौला ने जो वापस किया है उनका दिल पहले बहुत वो हो गया कि मेरे मौलाना वापस कर दिया और मेरे तोहफे को कबूल नहीं किया बहुत रंजीदा हो रहे थे गमगीन हो रहे थे लेकिन फिर सोचा कि इसमें कुछ मसला ज़रूर वक्त गुजरता रहा एक गुलाम था जो अली बिन यकीन से नाराज़ होकर के जा कर के हारून रशीद से शिकायत कर दी हारून रशीद से जा करके ये शिकायत करता है कि यह बिन यकन जो हैं सातवें इमाम के चाहने वाले हैं आपने जो तोहफा और बेहतरीन लिबास दिया तो उनको दे दिया बस ये सुनते ही हारून रशीद गुस्से से आग बगुला हो गया और बुलाया फौरन अली बिन यक़्न हाजिर हुए कहा मैं क्या सुनता हूँ तो तुम क्या करते हो वो तो लिबास जो मैंने दिया था तुमने क्यों दूसरे को भेज दिया कहा अगर वो लिबास न मिला तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा लिबास अगर नहीं मिलता तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी कहा हुजूर मैं यहीं हूं एक गुलाम को भेजिए फला जगह पर लिबास रखा है मुहर बंद करके ओला गया ले कर के आया खोला गया तो देखा कि वाकई वही लिबास रखा हुआ है अब हारून रशीद खुश हो गया कहते तुमसे हसद करने वाले कब तक हसद करते रहेंगे अब मुझे यकीन हो गया नहीं नहीं तुम बहुत ही नेक और बहुत अच्छे हो बिन यदिन दिल ही दिल में कहते वाह मेरे इमाम जिसको आप बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता जब कल का फिरौन कल के मूसा को नहीं मार सका तो आज का फ्र माली बिन यक को कैसे हिला कर सकता है खुश हो गए और खुश होकर के कहते हैं वाह इमाम अगर आप बचाना चाहें तो कोई मार नहीं सकता। इन्हीं का वाक़ है और है बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पेश की हैं लेकिन दरमियान में कुछ बातें ऐसी आती रहती हैं कि एक राही आता है और आ करके कहता है कि मैं तोरेत का सबसे बड़ा आलिम इमाम मुसे आजम के सामने आ कर के दावा करता है कि मैं तोरीत का सबसे बड़ा आलिम हूँ तो इमाम ने फरमाया अच्छा बता दे अगर तू सबसे बड़ा आलिम है तो जनाब मरियम की वालदा का नाम क्या था अब जैसे ही उसने सुना तो तू ईसाइयों का राहिब है बहुत बड़ा है और तुझे जनाब मरियम की वालदा का नाम नहीं मालूम कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम है तो इमाम ने फरमाया देख हम दावा नहीं करते लेकिन हमारे पास अल्लाह ने वो इल्म दिया है मैं कहूँगा मौला आपके जद भी तो ये भी नहीं जानते कि रसूल कब दुनिया में आए और कब दुनिया से चले गए बहरहाल जब वो कहा नहीं बता सका जनाब मरियम की वालदा का नाम नहीं बता सका तो इमाम ने फरमाया सुन जनाब मरीम की वालदा का नाम मिर्सा था इब्राहिम इब्राहान जिनका तर्जमा वाहिबिया हो वाहिबा होता है ये बताया और बताने के बाद इमाम ने यह भी उससे सवाल किया था जनाब ईसा कब पैदा हुए किस रोज़ पैदा हुए कहाँ पैदा हुए कहा ये भी हमें नहीं मालूम तो इमाम ने फरमाया जनाब ईसा का हमल जब करार पाया है तो जहर का वक्त था जब जबरील जनाबे मरियम पे आए और रूह ईसा को उनसे सरफराज फरमाया इसीलिए कुदरत ने इस जुमा के दिन को ईद का दिन करार दिया है इसलिए एक नबी की विलादत और इसीलिए ये जुमा को ख़ास तौर से हुक्म है कि नेक काम करना चाहिए और इबादत में लगे रहना चाहिए फिर इमाम ने फरमाया जनाब ईसा की विलादत सहशंबा को हुई जब साढ़े चार घंटे दिन चढ़ चुका था और फरात के किनारे हुई आज भी लोग फरात से सैराब हो रहे हैं तार कब हुई किस वक्त हुई कहाँ पर हुई इमाम ने तारीख भी बता दी दिन भी बता दिया और कहाँ पर हुई वो जगह भी बता दी तो ये ईसाइयों का राही भी नहीं जानता कि हमारे जद की तारीख कब है कब विलादत हुई कहाँ हुई तो वही कहते हैं कि मुसलमान भी तो अपने आप के जद की तारीख नहीं जानते यानी आपके जज जो है रसूल इस्लाम उनकी भी तारीख तो नहीं जानते कि कब दुनिया में आए कब दुनिया से चले गए कब शहादत हुई इमाम ने फरमाया इसीलिए अल्लाह ने हमको इल्मता किया है एक शख्स आया और आने के बाद जो अबू यूसुफ़ नाम था उसका क़ैद खाने में आकर के कहता है कि चलो आज इनसे सवालात किया जाएगा देखिए मेरे इमाम का इल्म देखे सवाल किया जाएगा ज़्यादातर क़ैद खाने में इनको रखा गया जब आया सवाल करने के लिए तो रात की ड्यूटी वाला वो जो जा रहा था खादिम उसने कहा मौला अगर कुछ मंगाना हो तो कल मैं आऊँगा लेते आऊँगा जब वो चला गया तो इमाम ने फरमाया इसको ख़बर ही नहीं है एक कल इसकी मौत हो जाएगी ये कल नहीं आएगा अब ये जो सवाल करने आए थे ये फ़ौरन उठ के चले गए हम तो आए थे सवाल करने के लिए तो इल्म गैब की बातें बताते ये तो इम गैब की बातें बताते हैं तो हमारे इमाम वो हैं जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है हाजतों का दरवाज़ा वो सुनिए हाजतों का दरवाज़ा इनके वसीले से जब तक ज़िंदा रहे तब तक दुआएं कबूल होती रहे आज आप जाइए काजमैन में देखिए क्या रौनक है बगदाद में जहाँ मेरे इमाम का रोज़ा है दो इमाम वहाँ हैं एक सातवें इमाम हैं और एक नवें इमाम हैं जगह अलहमदिल्ला क्या शान है जुमैन की तो एक सैयद बगदाद के अस्पताल में आंखों का इलाज करा रहा था इलाज होता रहा। डॉक्टरों ने जवाब दिया इसका कोई इलाज नहीं है इलाज। है अभी आंख में तुम्हारी रोशनी नहीं आ सकती सैयद अस्पताल से निकलता है सीधे काजमैन में आया और आने के बाद अंदर जैसे ही गया इमाम से काजम की जाली पकड़ करके कहता मौला मुझे असर नौ बीनाता कीजिए अभी ये कह ही रहा था एक मरतबा उसकी आंखों में चमक पैदा हुई कि रोशनी जाहिर हुई और ये कहता हुआ जा रहा है मुझे रोशनी मिल गई मुझे रोशनी मिल गई सलवाद पढ़ दे मोहम्मद वाले मुल मोहम्मद जब लोगों ने देखा कि रोशनी मिल गई है तो उसके कपड़ों के तार तार कर डाले यानी एक एक टुकड़ा कर डाला खुदाम ने दूसरा कपड़ा पहनाया दूसरा भी टुकड़े टुकड़े तीसरा पहनाया तीसरे भी यानी बतौर तबर्रुक उसके कपड़े को ले लेते थे इसको यहाँ से रोशनी मिली तो सातवें को बाबुल हवाज इसीलिए कहते हैं हाजतों का दरवाज़ा आज भी हाजतें पूरी होती हैं सिद्क दिल से आम मांगिए इन आपको वहाँ से ज़रूर अता होगा ये हमारे इमाम हैं, जिनको काजिम भी कहते हैं साले भी कहते हैं बाबुल हवाज भी कहते हैं और पूरा वाक़ तो नहीं पढ़ सकता एक शख्स को तालकान सानी अब्र से उसके घर तक पहुँचा दिया था चंद लम्हे इमाम ने तुलानी वाक़ है और तखीर हो जाएगी लेकिन आइए जहाँ से बात छूटी थी वहाँ फिर मैं वापस आता हूँ और सुनता हूँ अली बिन य जो इतना बड़ा दर्जा पा गए थे कि इमाम खान काबा उनके लिए दुआ करते थे हाथ उठा के इमाम के चाहने वाले इतने बड़े दर्जे के मालिक हो गए कि इमाम जैसा उनके लिए खान काबे में दुआ करता था लेकिन देखिए जब कुर्सी मिल जाती कुर्सी मिलने के बाद कभी कभी ये हालात बदल ही जाते हैं इब्राहिम जमाल इमाम के चाहने वाले हैं और ऊँटों को किराए पर लेकर जाते आते हैं गए अलीबिन य से मुलाकात करने के लिए ने कहा मेरे पास वक्त नहीं आज मैं आपके दरवाज़े पे जाऊं मुलाकात करना चाहता हूं और आप कहें कि मेरे पास वक्त नहीं मैं वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन बहुत सी मायूसी होगी दिल में बहुत ज़्यादा यह होगी परेशानी होगी गमगीन होगा कि गए थे मुलाकात करने के लिए आज क्या अच्छा होगा मुझसे मुलाकात नहीं करते क्या वजह है तो इब्राहिम जम्बाल समझ गए कि वजीर हो गए हैं भाई अब नहीं मुलाकात करना चाहते मायूस होकर के रंजीदा होकर के चले आए ऊफा में पहुंच गए अब जब हज का ज़माना आया तो यही अली बिन याकतीन हज के लिए जब गए और हज करके जब मदीने आए तो इमाम से मुलाकात करना चाहा इमाम ने फरमाया मेरे पास मुलाकात करने का वक्त नहीं अली बिन एक तीन हैरान परेशान हो गए मेरा मौला मुझसे मुलाकात क्योंकि कौन से मुझसे खता हो गई कौन से में से ऐसी भूल चूक हो गई कि मेरा इमाम मुझसे नाराज़ हो गया मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं जो एक दिन गुजरा एक दिन देखा इमाम जा रहे थे बढ़ कर के दामन को थाम लिया मौला क्या खता हुई क्या गलती हुई इमाम ने फरमाया तुमने एक मेरे चाहने वाले का दिल दुखाया है जब तक वो नहीं माफ़ करेगा मैं भी नहीं माफ़ करूँ अल्लाह अकबर हमारे इमाम कितनी बेहतरीन नसीहत कर रहे हैं अगर दुनिया वाले यही चीज़ को सुन करके नसीहत हासिल कर लें जो लोगों का दिल दुखाया करते हैं वो दिल दुखाना छोड़ दें और जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांग लें तो इन कामयाबी मिल जाएगी जब तक वो नहीं माफ़ करेगा मैं नहीं माफ़ करूँगा कहा मौला वो तो कोफे में रहता है मैं मदीने हूँ बड़ा बहुत दूरी है मौला इमाम ने फरमाया तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्या मौला क्या करूँ कैसे माफ़ी मांगूँ क्या बक़ी चले जाना वहाँ तुम्हें एक ऊँट तैयार मिलेगा और खामोशी से बैठ जाना आधी रात के वक्त जाना ताकि कोई देख ना सके आए आधी रात के वक्त पहुँचे देखा सवारी तैयार सवारी पर बैठे जैसे ही बैठे चश्मे ज़दन में खूँफा इब्राहिम जमाल के दरवाज़े दरवाज़े पे, पे दक्कुलबाब किया का कौन का इब्राहिम जमाल पूछते हैं कौन का अली बिन यकतीन का क्यों आए अली बिन य को इब्राहिम जमाल के दरवाज़े पे क्या काम है अब तो वज़ी आज़म हैं आपको क्या काम क्या जल्दी इस दरवाज़ा खोलो बड़ी मुश्किल में क्या नहीं बताइए तो कहा बड़ी मुश्किल में दरवाज़ा खोलो तो बताता हूँ दरवाज़ा खोला घर के अंदर आए साफ सलामत हुई बिठाया क्या क्या बात है क्या तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे मैंने सिर मुलाकात नहीं की थी मेरा सातवां इमाम मुझसे नाराज़ और कहा है कि जब तक इब्राहिम जमाल तुम्हें माफ़ नहीं कर देंगे मैं भी नहीं माफ़ करूँगा मैं तब तक तुमसे मुलाकात नहीं करूँगा बड़ी मुश्किल में हूँ अगर माफ़ कर दोगे तो मेरा इमाम मुझे माफ़ कर देगा अल्लाह अकबर ऐसे चाहने वाले अगर पैदा हो जाएं और जो मोहब्बत का दावा करते हैं इमाम के चाहने वाले इमाम के मानने वाले ना जाने कितनों का दिल दुखाया होगा कितनों को परेशान किया होगा इसी इमाम के वसीले और सदक़े से अगर जा कर के माफ़ी मांग लेंगे तो छोटे नहीं होंगे इमाम फरमाते जो सबसे पहले माफ़ी मांगता है वह अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा हो जाता है सामने वाला यही समझेगा डर गया है लेकिन डर नहीं गया है बल्कि अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा हो गया तो कहते मुझे माफ़ कर दो इब्राहिम जमाल ने कहा जाओ मैंने माफ़ किया ऐसे नहीं न हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं पढ़ देना और सुन लेना बड़ा आसान है लेकिन जो इन्होंने किया है वो सुनिए वज़ीर आज़म अली बिन यकतीन कहते हैं ऐसे नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आपने माफ़ किया कहा कैसे कहा ज़मीन पे मैं अपना चेहरा रखता हूँ आप अपना पैर उठा करके मेरे चेहरे पर रगड़िए ये मैं नहीं कर सकता कहा आपको करना होगा अगर नहीं करेंगे तब तक मैं समझूंगा कि आपने माफ़ नहीं किया नहीं ये मैंने कहा आपको करना होगा इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया अली बिन यद्देन ने ज़मीन पर चेहरा रखा इब्राहिम जमाल में चेहरे पर पैर रख कर के फ़ौर हटा लिया कहा जाओ मैंने माफ़ कर दिया अली बिन य ने कहा अब मुझे यकीन हो गया कि आपने मुझे माफ़ कर दिया दोनों खुश हो गए जब खुश हो गए ये आए सवारी पे बैठे और बैठने के बाद आगे पहुँच गए मदीना इमाम के दरवाजे पर पहुंचे देखा इमाम खड़े हुए हैं और जैसे ही अली बिन यकतीन इमाम के पास गए इमाम ने बढ़ कर के अली बिन यकतीन को गले लगा लिया और गले लगा करके कहा अली बिन यकतीन तुमने इब्राहिम को माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया पता चला एक दूसरे का जब कोई माफ़ कर देता है मेरा अखमाम खुश होकर के उसको गले लगा देता है सलवाद पढ़ दे मोहम्मद वाले, वाले।, वाले। यह हैं हमारे इमाम तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसी बात आ जाए इमाम की ताकि सुनने वाले नाजरीन जो हैं अगर एक बात पे इमाम की अमल कर लेंगे इसीलिए इमाम का एक लकब है गुस्से को पी जाना जो गुस्से को पी जाता है अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है हमारे इमाम का ये लकब जो काजिम है गुस्से को पी जाना ये बहुत बड़ा लकब है हर आदमी जब गुस्से में आता है तो बड़ी जल्दी उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होता लेकिन ये सातवें इमाम के लिए मिलता है और एक बाबुल अबुल फजील अब्बास के लिए मिलता है गुस्सा आ गया अगर हुसैन ने कह दिया अब्बास उठी हुई तलवार अब्बास तलवार को रोक लो तो गुस्से पे काबू पा जाना ये फजील अब्बास का कमाल था यहाँ जनाबे सातवें इमाम को अगर लकब काजिम है बाबुल हवाज है तो एक लकब अबुल फजील अब्बास का भी बाबुल हवाज है हाजतों का दरवाज़ा है फिर आएगी तारीख़ बाबुल हवाज के यानी अबुल फरीद अब्बास के सिलसिले में इंशाअल्लाह तकरीर होगी वो भी आप तक पहुँचाई जाएगी आइए जो सातवीं इमाम जो हमारे इनको इतनी सख्ती दी गई है तो इतना क़ैद खाने में रखा गया है ऐसा परेशान किया गया ऐसा तंग व तारीख क़ैद खाना कि मेरा इमाम सीधे खड़ा नहीं हो सकता था लेकिन एक में जब रखा गया तो वहाँ गाने की आवाज़ आ रही थी हमाम बहुत परेशान हुए कहा क्या बात का ये कैदखाना मेरे लिए अच्छा नहीं गाने की आवाज़ आ रही देखिए हम अपने घरों में गाने की आवाज़ है हमारे ऊपर कोई गुना लेकिन वही वो हमाम तो ऐसे क़ैद खाना का ये क़ैद खाना मुझे अच्छा है जिसमें करवट लेते थे तो करवट लेने में भी तकलीफ़ होती थी सीधे खड़े होते थे लेकिन दिन और रात सजदा हारून रशीद ने एक शख्स को कहा कि इनके ऊपर जितना जुल्म करना चाहो कत्ल कर दो हिसाबिन जाफर कहते हैं उससे कहा कत्ल कर दो कहा हारून रशीद मुझे माफ़ कर दीजिए इस शख्स को मैंने इबादत में देखा है और जो लोग आते हैं देख करके खुश हो जाते हैं मुझे इससे माफ़ कर दे मैं कत्ल नहीं कर सकता हारून रशीद ने सोचा कि कोई और हरबा अख्तियार किया जाए ताकि दुनिया वालों को मालूम कि इनके सजदे होते हैं यानी इमाम किसान शान में गुस्ताखी कर रहा है या दिखावा होता है क्या करता है जालिम? सुनेंगे एक कनीज़ को बड़ी हसीन और खूबसूरत को भेजा गया इमाम के कैदखाने में और सिखा पढ़ा के भेजा गया क़ैद खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया बाहर से ताला कुफल लगा दिया गया कनीज़ आई आने के बाद अपना कुछ मुद्दा बयान करना चाहती है तो क्या देखती है कि रुको पे रुको सजदे पे सजदा है ये खड़ी खड़ी हैरान हो गई बैठ गई जब बैठ गई तो उसने देखा कि आवाज़ आसमान से आ रही लब लब और आसमान जन्नत के तरीचे खुले हुए इसे बर्दाश्त नहीं हो सका ये भी इमाम के साथ में गिर गई और ये भी सजदा करती रही सुबह तक दोनों में सजदे में पड़े हुए हैं इधर हुकूमत हैरान और परेशान करीस को क्या हुआ अब तक शोर नहीं मचाया उसको तो कह देना चाहिए ये इमाम हमारे जो हैं अल्लाह का नुमाइंदा ये हुकूमत की नुमाइंदा दोनों में कितना फ़र्क देखिए अल्लाह का नुमाइंदा कैसा होता है हुकूमत का नुमाइंदा कैसा होता है सुबह जब आए हाकिम सब लोग आए दरवाज़ा खोला तोड़ा गया तो क्या देखा सजदे में पड़ी जल भून गए दूसरा कोई होता खुश हो जाता लेकिन सजदों से मोहब्बत वो तो खुश होगा दूसरा थोड़ी खुश होगा उसका शाना पकड़ कर खींचते हुए बाहर लेकर के आए तुझे किस काम के लिए भेजा गया था क्या बादशाह क्या बताऊँ आज इबादत का मज़ा इनके साथ आया है ज़िंदगी में ऐसा मज़ा कभी भी नहीं आया जो इस इबादत का लुत्फ इनके साथ आया है कभी भी नहीं आया मैं कहूँगा ऐ मेरे सातवीं इमाम आपने आने वाली हुकूमत की नुमाइंदा को सजदा भी करा दिया और उसका अपना बना भी लिया एक तारीख़ और मिलती है कुरान वो वाक़ है कि जनाबी यूसुफ़ और जुलेखा का वाक्य है जब जुलेखा ने चाहा तो यूसुफ ने अपना दामन बचा लिया लेकिन जुलेखा को अपना हम ख्याल न बना सके यहाँ आने वाली हुकूमत की नुमाइंदा को इमाम ने अपना हम ख्याल बना लिया तो सिलसिले न सिलसिले इसमत में उसको नबूत कहते हैं जहाँ यूसुफ ने अपना दामन बचा लिया और इस्मत में इमामत कहते हैं जहाँ नबू काजिम ने आने वाली हुकूमत की नुमाइंदा को अपना हम ख्याल बना लिया सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद चालीस मिनट हो गए वक्त ज़्यादा ना हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इमाम की जो फजीलत वो दुनिया वाले सुने और उससे इबरत हासिल करें कि हमारे इमाम लाहौ लाभ में नहीं आखिरी बात बहुत बातें हैं लेकिन आखिरी बात जो लाहौ लाभ की आ गई है तो एक मरतबा छठे इमाम की खिदमत में आ के लोग कहने लगे आपके बेटे सातवें इमाम जो हैं नमाज पढ़ते हैं लोग उनके सामने से आते जाते हैं उनकी नमाज में खुशू और ख़ुशु कहाँ रह गया इमाम ने सातव इमाम को बुलाया का बेटा जो तुम नमाज़ पढ़ रहे हो लोग कह रहे हैं ये नमाज़ पढ़ते हैं लोग आगे से आते जाते हैं और उनके नमाज में खुजू और ख़ुशू कहाँ रह गया कहा बाबा इनसे कह, इन कह दीजिए जिसका जैसा खुलूस होगा वैसे ही खुदा उसका उतना करीब होगा हमारा खुलूस तो इतना है कि हमारे पैर से तीन निकाल दिया जाता है हमें ख़बर तक नहीं होती हमारा खुदा हमारी रगे गर्दन से करीब है हमारे और ख़ुदा के दरमियान कोई जा ही नहीं सकता इमाम ने फरमाया हमारे और ख़ुदा के दरमियान कोई जा ही नहीं सकता अच्छा आप किसी मस्जिद में चले जाइए अगर गुजर जाइए किसी नमाजी के आगे से नमाज तोड़ करके आपको झटक देगा मगर यही सब होता है मक्का मज़मा में जाइए खाने काबा में लोग दूसरे के सामने गुजरते रहे वहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कोई कुछ नहीं कहता तैमाम तो ने वादे कर दिया जिसका जैसा खलूस होता है वैसे उसका खुदा करीब होता है दूर होता है हमारा खलूस ऐसा होता है जिसे मौल कायन के बारे में मिलता है कि जब पैर तीन पैर में तीर लगा था परेशान हो जाए रसूल ने कहा नहीं जब अली नमाज़ पढ़ने लगे नमाज़ पढ़ने लगे तीर निकाल लिया गया आपको खबर तक नहीं तो इमाम ने फुनाया जिसका जैसा खलूस होता है वैसे ही खुदा उसका दूर और नज़दीक होता है हमारा खलूस ऐसा है कि हमारा खुदा हमारी रगे गर्दन से करीब है लिहाजा हमारे खुदा के दरमियान कोई जा ही नहीं सकता सलवा पढ़े मोहम्मद वाले बजीज़ों यहीं पे बात को रोकता अभी तो हमारे इमाम के फज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं बड़ी बड़ी फजीलतें हैं इमाम ने कैसे कैसे किसको रास्ता दिखाया है कैसे कैसी दुआएं की हैं और कैसे कैसे लोगों को अपनी बातों से अच्छी बातों से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है लेकिन चूँकि आज की तारीख़ शहादत की शब है मैं चाहता हूँ दो एक फिक्रे मैं अपने इमाम की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ मेरे इमाम को हारून रशीद ने शाहिद बिन शाह एक जालिम से कहा कि इनको जहर दे दिया जाए कई बार इमाम को जहर दिया गया संदी बिन शाहकुक कई बार जहर दिया गया है एक बार नहीं कई बार लेकिन अब की जब जहर दिया गया अंगूर में मिला करके तो इमाम ने एक अंगूर का दाना हाथ से छोड़ गया नीचे गिर गया हारून का कुत्ता था खा लिया मर गया जब मर गया तो इसने ग़ुलाम को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया इमाम ने खा लिया कहा अब मेरा वक्त करीब आ गया इमाम ने कहा जैसे अंगूर खाया खाने के बाद आपने फ़रमाया कि अब असर होने लगा है और कल मेरा चेहरा जर्द हो जाएगा और परसों में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। हाँ जीजो वही हुआ मेरा सातवां इमाम अज़ादारो ये पच्चीस रजब को बरोज जुमा दुनिया से छोड़ करके जन्नत की तरफ चला गया एक चाहने वाला था वो शायर था वो गजल वगैरह कहा करता था हारून रशीद ने सुना कहा उसको बुलाया जाए वाया तो उसने अशार वगैरह सुनाए गसल वज़ल हो कोई भी शायर सुनाया तो कहा ऐसा है कि बड़ा अच्छा वो सुनाई है वो सुनाया कहा इसके बदले में दोगे क्या क्या जो मांगना हो मांग लो हारून रशीद ने कहा कि जो मांगना हो मांग लो इस शायर कहता है कि दो दो दे दोगे और आया था ही बगदाद में आकर के उसने होटल में ठहरा हुआ तभी बच्चों के साथ कहा दे दोगे का बिल्कुल दे देंगे कहा मैं जो चाहूँ मांग लूँ कहा जो चाहूँ कहा ठीक है अगर आप जो कुछ देना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए मेरे इमाम की रिहाई कर दीजिए कैद खान से अल्लाहबर ऐसे इमाम के चाहने वाले होते हैं इसको शिया कहते हैं जो इमाम की रिहाई के लिए कहा हारून रशीद थोड़ी देर तक सोचता रहा सोचते सोचते कहा तीन रोज़ के बाद तुम्हारे इमाम को रिहाई दे देंगे ये घर आया भी बच्चों से कहा आज मैंने अपने इमाम की रिहाई के लिए हारून रशीद से कह दिया मेरे इमाम को रिहा कर देगा रारो जब रिहाई का वक्त आया तो देखा सुबह से लेके शाम तक कैद खुला है और कैदी रहा हो रहे हैं यहाँ तक कि शाम का वक्त आ गया तो एक मरतबा पूछा मेरे इमाम को रहा नहीं करोगे नहीं बैठ तुम्हारे इमाम को रहा करते हैं रजादारो सुनोगे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मसाइब की तरफ बढ़ा जाता है जय से ही शाम हुई क़ैद खाने का दरवाज़ा जब खुला तो क्या देखा इमाम की मैत अल्लाह अकबर हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं जैसे ही सामने आई तो चाहने वाला जो था बिलक बिलक करके रोने लगा रहे मेरे मौला आपकी शहादत हो गई और अदादारों सुनेंगे हारून रशीन ने हम मालों को बुलाया और कहाँ ले जा कर के जनाजा रखा जसरे बगदाद पर रख दिया गया और इमाम के जनाजे के साथ तोहन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनके चाहने वालों के लिए तोहन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए लेकिन एक सुलेमान पैदा हो गया उसने देखा बगदाद मेरे माप का जनाजा रखा है आया और आने के बाद बेहतरीन गौसल दिया वो कफन पहनाया जो पूरा कुरान जिसमें लिखा हुआ था गौसल दिया कफ़न पहनाया कफ़न पहनाने के बाद जब जनाजा तैयार हो गया ले जा करके इमाम का जनाजा बगदाद में काजमैन में दफन कर दिया मैं कहूँगा ए सुलेमान तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है मेरे सातवें